ध्रुव तारा पार्ट वन। तारा अपनी साथी मेघना का हाथ पकड़कर जोर से मैदान में दौड़ रही थी। वो हांफते हुए बस दौड़ती ही जा रही थी। तारा रुक दो, वो लोग पीछे नहीं आ रहे हैं। अब मैं थक गई हूँ, आ माँ मेरे पाँव। नहीं मेघना, अभी हमारी मंजिल नहीं आई है, हम रुक नहीं सकते। इससे पहले कि वो लोग हमारे पीछे आए, हमें भागते रहना होगा। और दोनों लड़कियां दौड़ती दौड़ती एक टूटे फूटे से मकान के पास जाकर रुक जाती हैं। देखो आ गई ना मंजिल। हाँ माँ आ गई मंजिल, अब थोड़ा सांस तो बटोरने दे, तेरे चक्कर में मैं क्यों मारी जाऊं। और दोनों एक घने पेड़ की छांव में बैठकर सुस्ताने लगती हैं। और अगर उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया तो? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। नहीं मेघना, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। और आराम करते हुए दोनों की आंख लग जाती है। कुछ देर बाद वहाँ कुछ कदम तारा और मेघना की ओर बढ़ते हुए आते हैं और वो उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तारा अचानक आंख खोलती है और उन्हें देख खड़ी हो जाती है। हाँ तुम सब मिल ही गई आखिर तुम हमें। आलीशान घर में बर्थडे पार्टी की तैयारियां चल रही थी। संजय और सुलेखा केक लेकर सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। महारानी जी अभी सोकर उठी भी होंगी या नहीं? ईजी कैसी बातें करते हो, हमारी गुड़िया तो आज के दिन सबसे पहले उठती है। तभी पीछे से उनका नौकर आवाज लगाता है। मालिक मालिक, हमने उसे बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिली। हे, तो खाली हाथ वापस क्यों आए हो? अगर वो नहीं मिली तो मैं तुम्हें भी गायब कर दूंगा। अब जाओ मेरे सामने से। गुस्सा मत करो जी, चलो कमरे में चलो। दोनों कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं। सरप्राइज, बिस्तर पर चादर से ढकी हुई कोई सो रही थी मगर वो हिलती नहीं है। तब सुलेखा चादर हटाती है तो नीचे तकिए मिलते हैं। ये देख सुलेखा और संजय बिलख जाते हैं। फिर से चूना लगा गई तुम्हारी तारा सुलेखा। पक्का अपने उन गरीब दोस्तों के साथ अपना बर्थडे मनाने गई होगी। क्या करूं मैं इस लड़की का, जरूर उसकी खुराफाती दोस्त मेघना ने मदद की होगी। तुम्हारी भी बेटी कोई शरीफ नहीं है, एक तो घर की नौकरानी चोरी करके भाग गई, ऊपर से तुम्हारी बेटी भी, जब देखो तकिए को चादर उड़ाकर भाग जाती है। लो मना लो बर्थडे। सुलेखा अपना माथा पीट लेती है। तारा देखती है उसके सामने उसके दोस्त और कुछ बच्चे केक चॉकलेट टॉफियां लेकर खड़े हैं। सरप्राइज तारा, हैप्पी बर्थडे। तारा खुश होकर बच्चों को गले लगाती है। तुम सब आ गए मेरे बच्चों, अब लग रहा है मेरा बेस्ट बर्थडे। सब तारा का केक कट करते हैं। तारा बहुत खुश नजर आ रही थी। यार तारा, तुम इतना क्यों भागती हो अपने माँ बाप से? हाँ यार, सुलेखा आंटी और संजय अंकल तो तारा का बर्थडे इतना बड़ा मनाते हैं कि बस आंखें फटी रह जाएं। बस यारों, मुझे वही तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये खुली सांस, ये हवा और मेरे इन बच्चों का प्यार। गरीब बस्ती के बच्चों को बाबा घर में घुसने भी नहीं देंगे, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ हमेशा, वो भी भाग कर। तभी वहाँ तारा का एक और दोस्त पहुँचता है, साहिल, जिसने पीछे गुलाब छिपाया हुआ था। आज मैं तारा को बता दूंगा कि मैं उसकी दौलत को नहीं उसे चाहता हूँ। मगर साहिल कुछ कह पाता कि तभी संजय गाड़ी लेकर वहाँ आ जाता है और तारा को घर ले जाता है। बिटिया, मैं हर बार इतनी बड़ी पार्टी रखता हूँ और तू हमेशा भाग जाती है। सॉरी डैड, आओ चलो केक कट करें। और सब मिलकर तारा का बर्थडे मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस, बस अब जल्दी से तुझे तेरा प्रिंस चार्मिंग भी मिल जाए। माँ तुम जानती हो ना, मुझे ये प्रिंस वगैरह जैसी बातें नहीं पसंद, मेरा मन तो सादगी को देख मचलता है। रामलाल लंगड़ाता हुआ अपने टूटे फूटे मकान की ओर बढ़ रहा था। अरे ओ राजा जी, ओ राजकुमार साहब, अगर आपका भोजन हो गया हो तो क्या मैं टेबल ले जाऊं? रामलाल मकान के अंदर छोटी सी टेबल के ऊपर बैठे अपने बेटे ध्रुव को ताना मारकर कहता है। और ध्रुव खाना बीच में ही छोड़ अपने बाप को टेबल दे देता है। ठीक है पिताजी, ये रखिए, हम बाहर जाकर भोजन कर लेते हैं। हम भोजन कर लेते हैं? हम तो ऐसे बोलता है जैसे कहीं का राजकुमार हो। रामलाल गुस्से में उससे छीन ध्रुव को बकने लग जाता है। बेटा तू एक बात बता, मेरी मजदूरी 150 रुपए दिहाड़ी है, तू कुछ कमाता है नहीं, तेरी माँ घर में चूल्हा चौका करती है, तो फिर तू खुद को कहाँ का शहजादा समझता है। ध्रुव रामलाल की बात सुन खाने की थाली लेकर बाहर चला जाता है।
अकड़ देख रही हो पुष्पा इसकी? ए जी, क्यों अपने ही बेटे के पीछे पड़े रहते हो जी? तो तू ही देख पुष्पा, तेरा बेटा कैसे रहता है। कहता है जमीन पर बैठकर भोजन नहीं करूंगा, बात बात पर खामोश बोलता है, बिस्तर पर एक भी सिलवटे होती हैं तो उसे चुभ जाती हैं। और वो हरकत जो उसने 4 दिन पहले की है, उसकी सफाई है तेरे पास? ए जी, बच्चा है, मजदूर का बच्चा है पुष्पा, बाप दादा जागे नहीं छोड़कर गए इसके लिए। 4 दिन पहले मैं जो पैसे जोड़ जोड़ कर मेले से इसके लिए मखमल की पैंट लेकर आया था, इसने उस पतलून को काट कर अपने जूते चप्पलों के अंदर चिपका लिया और फिर बोला, आह अब कहीं जाऊंगा तो मेरे पाँव मुलायम और कोमल ही रहेंगे, मुझे दर्द नहीं होगा। मैं क्या बोलूं जी, ध्रुव को आपने बचपन से देखा है, वो ऐसा ही है। ऐसे होने से जीवन नहीं कटेगा पुष्पा, मजदूर के पाँव में जब तक छाले नहीं पड़ेंगे वो कैसे घर का चूल्हा जला सकेगा, तू समझा उसको, जल्दी समझा। पुष्पा को रामलाल की बात ठीक लगी और वो ध्रुव को ढूंढने निकल गए। तभी पुष्पा को एक जगह ढेर सारे लोगों की भीड़ का जमावड़ा दिखता है, सब आपस में खुसफुसा रहे थे। पुष्पा आगे जाकर देखती है तो ध्रुव ने हाथी के छोटे बच्चे को जमीन पर लेटा रखा था और उसके ऊपर बैठकर खाना खा रहा था। ये देख सब लोग हैरान थे। खाना खाकर ध्रुव उठ जाता है। जा बादल, तू भी जंगल चला जा और सुन, तू भी कुछ खा लेना, कल मिलते हैं। ध्रुव, ये जंगली जानवरों से तुझे डर नहीं लगता क्या? इनसे दूर रहा कर। माँ, डरना कैसा, ये सब तो हमारे दोस्त हैं। ये बादल है ना, ये तो हमारे ही सामने पैदा हुआ था और इसकी माँ बिजली और हम तो एक ही उम्र के हैं। पुष्पा ये देखकर हैरान थी। वो ध्रुव को पकड़कर घर ले जाती है और रसोई में रखे अनाज के खाली बर्तन दिखाती है। देख ध्रुव, घर में सारा राशन खत्म हो रखा है, ये बादल बिजली इन सबसे दोस्ती करने से घर में रोटी नहीं आएगी मेरे बच्चे। ये सुनते ही ध्रुव बर्तन उठाकर बाहर जाने लगता है। कहाँ जा रहा है अब? तेरी समस्या का हल लेने, सरपंच के भंडार गृह में तो राशन होगा ही ना, हम अभी जाकर लेकर आते हैं। तभी पुष्पा ध्रुव के एक चांटा लगाती है। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, तू किसी रियासत का राजकुमार नहीं है, इस नगर के छोटे से गांव के मजदूर का बेटा है। बेटा, अब तेरे बाबा की भी उम्र हो रही है, सिर्फ इनके काम करने से घर नहीं चलेगा, अब तो तुझे भी कमाना होगा। और माँ, फिर मेरी शिक्षा, उसका क्या? हाथ में 2 पैसे बचेंगे तो पढ़ भी लेना बेटा। देख मेरे गले में ये काला धागा है, मरने से पहले एक सोने की चेन तो दिलाएगा ना माँ को। जा बेटा जा, अब से तू भी काम ढूंढ। तभी रामलाल अंदर आकर सारी बात सुनता है। सुनो ध्रुव राजा जी, मुझे नगर की हवेली के पास मजदूरी का काम मिला है और कल से तू भी मेरे साथ ही चलेगा, लेकिन ध्यान रखना, जब मेरा ध्यान इधर उधर हो तो तू हवेली के अंदर ताक झाक नहीं करेगा, हमें बस काम करना है और आ जाना है। और बेटा, खुद को हम करना बोलना अब बंद कर दे, ऐसे में सब तुझे घमंडी समझेंगे और तेरा मजाक भी बनाएंगे। ठीक है माँ बाबा, आप कहते हैं तो मैं ऐसा ही करूँगा। रामलाल और पुष्पा ये जान बड़ा ही खुश होते हैं। अगले दिन ध्रुव ने बाबा के साथ वहाँ मजदूरी के लिए पहुँचता है। सामने एक बहुत विशाल खंडर हवेली थी जिसे देख ध्रुव हैरान हो गया था। ये ले फावड़ा और खोदने लग जा जमीन, और इधर उधर जाना नहीं। ध्रुव के नाजुक हाथ फावड़ा थामते हैं और काम करने लगते हैं तो कुछ ही देर में उसके छाले हो जाते हैं। वो रामलाल से ध्यान बटाकर हवेली की दहलीज पर जाकर बैठ जाता है और सुस्ताने लगता है। मेघना तारा साथ कॉलेज जाते हैं और साहिल मयंक भी उन्हें वहीं मिल जाते हैं। तुम सबकी अटेंडेंस बहुत कम है, जानते हो ना, ऐसा होने की वजह से तुम्हें एग्जाम से निकाल दिया जाएगा। नो सर, दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू कम्प्लीट अस आवर डिग्रीज, फिर मुझे इस साल से एनजीओ भी ज्वाइन करना है। इसका बस एक ही सोल्यूशन है, अगले महीने अमेरिका की यूनिवर्सिटी की डीन यहाँ आएगी, उसे हमें ये दिखाना है कि हमारी यूनिवर्सिटी भारतीय संस्कृति से भरी हुई है। वो कैसे सर? पास में जो कुंभानगर है, तुम्हें वहाँ जाकर वहाँ के हेरिटेज पर डॉक्यूमेंट्री बनानी होगी, अगर वो डॉक्यूमेंट्री सिलेक्ट हो गई तो डिग्री तो क्या, अमेरिका में पढ़ने के लिए तुम्हें स्कॉलरशिप तक मिल सकती है। ये सुन सारे दोस्त बहुत खुश होते हैं और कुंभा जाने की तैयारी करते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तारा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तारा? ओहो डैड, मैं कोई जंग या पिकनिक पर नहीं जा रही, कॉलेज का टास्क है, 2 दिन में पूरा करके लौट आऊंगी। ध्रुव दहलीज पर बैठा सुस्ता ही रहा था
कि अचानक उसके कानों में घुंघरुओं की आवाज आती है, जैसे हवेली उससे कुछ कहना चाह रही हो। और वो पलट हवेली के दरवाजे के छेद में से अंदर झांक कर देखता है तो उस खंडर की हवेली के अंदर तो झूमर जगमगा रहा था और झूमर के नीचे सुंदर वस्त्रों में एक लड़की नृत्य कर रही थी जिसका चेहरा घूंघट से ढका था। हवेली के वीराने में आखिर ये कैसी चहल पहल थी, ये ध्रुव की ओर कैसी पुकार थी। अरे ये कौन है, लोग तो कहते हैं कि इस हवेली में कोई नहीं रहता, तो फिर ये कौन है। ध्रुव और झांकता है तो तभी उसे अंदर कोई रोशनी या लड़की नहीं, खाली खंडर नजर आता है। अचानक रामलाल उसकी गर्दन पकड़ लेता है। हाँ ये क्या, अभी तो यहाँ इतनी रोशनी थी, और वो लड़की, वो कहाँ गायब हो गई, क्या वो कोई भूत थी। लड़की देखेगा, रुक तुझे अभी बताता हूँ। बोला था ना ताका झाकी नहीं करना, वरना इस हवेली का शाप तुझे भी निकल जाएगा, मगर मेरा नालायक बेटा कहाँ सुनेगा, चल यहाँ से। बेचारा सीधा साधा ध्रुव बाप से डर जाता है। उधर सब दोस्त भी कुंभानगर की जमीन पर पहुंच जाते हैं। रामलाल ध्रुव की गर्दन पकड़कर उसे ले जाता है और तभी ध्रुव तारा के कंधे से टकराता हुआ वहां से गुजरता है। दोनों मुड़कर एक दूसरे की ओर देखते हैं। दो अलग जिंदगी वाले लोगों को आखिर किस्मत क्यों ले आई है एक जगह, आखिर बंद दरवाजे के पीछे छिपी है कौन सी कहानी, जानने के लिए देखते रहिए ध्रुव तारा केवल एनिम स्टोरीज पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।